कोरोना की दूसरी लहर की वजह से सरकार के द्वारा लगाए गए कर्फ्यू से जहां लोगों को रोजी रोटी के लिए परेशान होना पड़ रहा है, तो वहीं राजधानी देहरादून में कई वकीलों को भी इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। कर्फ्यू की वजह से हो रही समस्या से जरूरतमंदों वकीलों को बचाने के लिए एडवोकेट और समाज सेवी सुनीता प्रकाश मदद करने के लिए आगे आए हैं। सुनीता प्रकाश लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही हैं। इसी कड़ी में आज समाज सेवी सुनीता प्रकाश ने बार एसोसिएशन को 1,00,000 रुपए का चेक देकर उन जरूरतमंद वकीलों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। देखिए, ये समय बहुत ही कठिन समय चल रहा है कोरोना का, और सारे अधिवक्ता बहुत परेशान हैं। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है और लोगों से अपील है कि जो भी सक्षम वकील हमारे हैं वो आगे आकर के अपना थोड़ा भी जैसा भी जो कर सकता है, जितना भी धनराशि दे सकते हैं, वकीलों की मदद कर सकते हैं, तो वो आगे आकर के उनकी मदद करें, ताकि जो है आज वकील बिल्कुल काम बंद है वकीलों का, और सड़क पर जो आने का कागार पर जो वकील हैं वो हम लोग सब मिल करके एक परिवार, ये जो बारिश देहरादून बार एसोसिएशन है हमारी, वो परा एक परिवार है, सारे वकील हैं। मेरे सभी सक्षम वकीलों से जो लोग अच्छे अच्छे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो आगे आएँ, और सब जो हमारे वकील हैं जो आज बहुत ही बुरी परिस्थिति में विकट समय से गुजर रहे हैं, उनकी आके मदद करें, ताकि वो ये समय अच्छे से निकल जाए। वहीं उत्तराखंड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल बताते हैं कि कोरोना के इस समय में हमारे कई वकीलों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। राजधानी देहरादून में ही कई वकीलों को कोरोना वायरस से जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे में उन्होंने सभी सक्षम वकीलों से अनुरोध किया है कि वो मदद के लिए आगे आए। आज स्थिति है कि अधिवक्ता का परिवार सड़क पर आने के कगार पे है, तो न तो हमारी सरकार मदद कर पा रही है, राज्य सरकार न केंद्र सरकार अधिवक्ताओं की कोई मदद कर रही है। हमारे पूरे हिंदुस्तान में बहुत अधिवक्ता मर चुके हैं, करीब हमारे 20-25 अधिवक्ता तो देहरादून हमारे भारत क्षेत्र के मर चुके हैं, पूरे उत्तराखंड के भी बहुत अधिवक्ता मर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी मदद, चाहे वो राशन की मदद हो, चाहे वो पैसों की मदद हो, चाहे वो हॉस्पिटलों में मदद हो, वो किसी प्रकार की कोई भी सरकार नहीं कर पा रही है। तो हमने अपने अधिवक्ताओं को जागृत करा कि जो लोग सक्षम लोग हैं, जो अधिवक्ता हमारे सक्षम हैं और वो और अधिवक्ताओं की मदद कर सकते हैं, तो वो उसमें आ गए हैं। आज हमारी मैडम सुनीता प्रकाश जी आई, उन्होंने हमें 1,00,000 रुपए का चेक बारिश देहरादून को दिया। कोरोना के इस मुश्किल भरे समय में समाज सेवी वकीलों और आम लोगों की मदद कर रहे हैं, उससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है कि इंसानियत अब भी जिंदा है। देहरादून से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट।